बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता दिखाई दे रहा है। करियर की स्थिति में इस समय आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। वाद विवाद से भी आपको बचना चाहिए। हालांकि किसी मित्र की सलाह मिलेगी आपको और उससे आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। अपने निर्णयों में किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। रिश्तों के मामले में लापरवाही इस समय मत करिएगा। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। वैवाहिक जीवन का ध्यान भी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तुला राशि, संतान पक्ष की उन्नति के संयोग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। संतान की उन्नति होगी। रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा और करियर में आपको बेहतर सफलता भी मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की समस्या में आपके सुधार होगा। धन आपको आसानी से मिलेगा, ये संभावना आपके लिए बन रही है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन गए हैं। हो सकता है इस समय आप कोई नई गाड़ी, कोई नया वाहन खरीदें। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, करियर में आपके थोड़ी सी मुश्किल इस समय दिखाई दे रही है, तो करियर का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। माता पिता का स्वास्थ्य आपके अच्छा नहीं दिख रहा है, वहां भी ध्यान दें और अपने वाणी और स्वभाव पर इस समय नियंत्रण आपको रखना चाहिए। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी आपको। संतान पक्ष की उन्नति होगी आपके। काफी दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।